हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन लाइव के इस कार्यक्रम में मित्रों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा, मेरी ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों आज हम आपके सम्मुख चर्चा करेंगे 12 राशियों की, मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक। और ये जो राशिफल है, ये राशिफल है जनवरी 2020 का राशिफल है जिसको हम आपके सम्मुख लेकर आए हैं। और मेष राशि से लेकर मीन राशि तक प्रत्येक राशि की और उसके राशिफल की चर्चा आपके साथ हम करेंगे। लेकिन जैसा कि हर बार हम आपको राशिफल की चर्चा करने से पहले ग्रह की जो स्थिति है गोचर में ग्रहों की, उसके विषय में आपको बताते हैं, उसकी स्थिति से आपको अवगत कराते हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपको ग्रह गोचर की स्थिति से अवगत करा दें जिसके आधार पर आप 12 राशियों का राशिफल तैयार होता है। तो यह आपके लिए जानना अति आवश्यक है कि ग्रहों की गोचर में स्थिति वर्तमान में कैसी है। तो आइए चर्चा करते हैं मित्रों सूर्य से। तो सूर्य जो कि अभी वर्तमान में धनु राशि में संचार कर रहे हैं, 14 जनवरी 2020 को ये अपनी मकर राशि जो इनकी शत्रु राशि है उसमें ये प्रवेश करेंगे। मंगल वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं जो इनकी मित्र राशि है, और पूरे माह ये अपनी इसी मित्र राशि में ही संचार करते रहने वाले हैं। बुध जो कि वर्तमान में धनु राशि में संचार कर रहे हैं और ये 13 जनवरी 2020 को इस राशि से निकल करके अपनी मित्र राशि मकर में प्रवेश करेंगे तथा 30 जनवरी को ये कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे जो कि इनकी मित्र राशि ही है। 29 जनवरी को ये पश्चिम में उदय होंगे। 29 जनवरी को ये बुध की स्थिति है। गुरु अपनी स्वयं की राशि धनु में संचार करते रहने वाले हैं पूरे माह तथा 10 जनवरी को ये मित्रों पूर्व में उदय होंगे। शुक्र जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि मकर में संचार कर रहे हैं, उनका संचार चल रहा है मकर राशि में जो कि उनकी मित्र राशि है, लेकिन 8 जनवरी को ये इस राशि से निकल करके अपनी मित्र राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि धनु में संचार कर रहे हैं, 24 जनवरी को ये इस राशि से निकल करके अपनी स्वयं की राशि मकर में प्रवेश कर जाएंगे। वहाँ पर इनकी युति जो है वो अपने शत्रु ग्रह सूर्य ग्रह के साथ तथा कुछ दिनों के लिए अपने मित्र ग्रह बुध के साथ भी बनेगी और 30 जनवरी 2020 को ये पूर्व में उदय होंगे क्योंकि अभी ये वर्तमान में अस्त अवस्था में संचार कर रहे हैं धनु राशि में। तो ये थी स्थिति शनि ग्रह की। आते हैं राहु पर। राहु पूरे माह अपनी मित्र एवं उच्च राशि मिथुन में संचार करते रहेंगे मित्रों पूरे माह। केतु भी पूरे माह अपनी उच्च राशि धनु में ही संचार करते रहने वाले हैं। तो मित्रों यह था आपके 9 ग्रहों की गोचर में वर्तमान में स्थिति जो आपके मैंने चर्चा की है, जिसके विषय में बताया है, जिसके विषय में आपको, और इसी के आधार पर 12 राशियों का राशिफल तैयार हुआ है जिसकी चर्चा अब आपसे करेंगे। सर्वप्रथम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं जो मेष राशि के जातक हैं उनके विषय में। तो आइए मित्रों सबसे पहले आप मेष राशि के जो जातक हैं, माह जनवरी आपका कैसा रहने वाला है 2020, सबसे पहले आपके व्यवसाय के विषय में जान लेते हैं। तो माह के आरंभ में आपके भाग्य भाव में पंचग्रह योग बनने के कारण आपको भाग्य का पूरा सहयोग पूरे माह मिलता रहने वाला है। यह माह आपके अपने व्यवसाय एवं रोजगार को लेकर बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। इस माह आपका अपना व्यवसाय बहुत ही प्रगतिशील रहने वाला है। अगर आप व्यापार करते हैं तो आपके अपने व्यापार में बहुत ही अनुकूल परिणामों की आपको प्राप्ति होगी तथा अच्छा लाभ भी आप अर्जित कर पाएंगे। अगर आप रोजगार के साथ जुड़े हुए हैं तो माह मध्य के उपरांत आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा कोई बड़ी एवं विश्वसनीय जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है या फिर आपकी पदोन्नति भी हो सकती है तथा आपको एक विभाग का विभागाध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। इसके साथ आप अपने व्यवसाय से संबंधित यात्राओं पर भी जा सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी। इस माह आपको अपने व्यवसाय में योगदान के लिए जो आपके द्वारा किया गया है पुरस्कार आदि भी प्राप्त हो सकते हैं। वित्तीय स्थिति, इस माह आपको अपने धन के लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होने वाले हैं। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी
यात्राओं से धन का लाभ भी रहेगा। अगर आप इस अवधि में अपने धन का निवेश किसी लाभकारी योजना में करते हैं किसी लंबी अवधि में, तो इससे भी आप लाभ अर्जित कर सकते हैं। अगर आपने अपने पूर्व में अपने धन का निवेश किया हुआ है पहले से ही कहीं पर, तो भी इस अवधि में उसका अच्छा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। प्रेम संबंध, इस माह के आरंभ से मध्य के बीच आप अपने प्रेम संबंधों को लेकर के काफ़ी उत्साहित रहने वाले हैं तथा संबंधों में प्रगति भी आपके रहेगी। महामध्य से उत्तरार्ध के बीच आपको इन संबंधों में विशेष प्रगति तो नजर नहीं आएगी मित्रों, लेकिन इस माह के अंत में दोबारा आपको इन संबंधों में प्रगति होती दिखाई देगी। विवाहित व्यक्तियों को अपने वैवाहिक संबंधों को सामान्य बनाए रखने के लिए जीवन साथी के साथ अपना व्यवहार बहुत ही सकारात्मक और सौहार्दपूर्ण रखना होगा, तभी संबंध आपके सामान्य चल सकते हैं वैवाहिक, अन्यथा तलखी पैदा हो सकती है। संतान, तो मित्रों आइए आपकी संतान के विषय में भी जानकारी लेते हैं। इस माह के आरंभ से मध्य तक बहुत ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको यहां पर होने वाली है आपकी संतान के द्वारा, उनकी शिक्षा प्राप्ति को लेकर। लेकिन महामध्य से अंत तक परिणामों में कमी महसूस होगी। महामध्य से अंत तक अधिक परिश्रम की आवश्यकता रहेगी ताकि परिणाम प्रभावित ना हो। अगर संतान के द्वारा लापरवाही हुई तो यह सोचकर कि तैयारी पूरी है, कहीं उनके माइंड सेट ना हो उनका, ये सोच करके ना बैठे रहें कि तैयारी तो पूरी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट तो पॉजिटिव ही आएंगे, तो इसका नुकसान इस अवधि में बच्चों को हो सकता है। स्वास्थ्य, इस माह आपके स्वास्थ्य में कमी रहने वाली है। अगर आप अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग रहेंगे तो आपके लिए ये उचित रहेगा। उपाय क्या किए जाए ताकि जो जितनी परेशानियां इस महीने में हैं वो उनसे आपको छुटकारा मिल सके, तो सर्वप्रथम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नियमित रूप से करना है। विद्यार्थी इस मंत्र का जाप करें, कम से कम एक माला तो अवश्य करें, अगर कर सकते हैं तो तीन माला करें। मंत्र है, ओम या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मंत्र अगर छात्र करते हैं तो उनकी विद्या में प्रगति होगी। नियमानुसार करना है। मकर संक्रांति वाले दिन, मित्रों इस माह में मकर संक्रांति भी पड़ रही है, तो ये अवसर आपने चूकना नहीं है। इस अवसर पर मकर संक्रांति वाले दिन सफ़ेद तिलों के और गुड़ से बने हुए लड्डू या मिठाई जो भी है उसको आप दान करें और साथ ही सूर्य देव को जल अर्पित करें और उनको नमस्कार करें। ये छोटे छोटे दो तीन उपाय आप करें, देखिएगा आपका जनवरी माह कितना अच्छा सफलतापूर्वक निकलता है। तो मित्रों ये था आप मेष राशि के जातकों का राशिफल माह जनवरी 2020 का। आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं ताकि जो भी हमारे नए आगामी वीडियोस हैं कार्यक्रमों के वो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनका भी लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।